So friends, once again, welcome. Today we will solve the problems for the major test practice. Tomorrow will be your major test. So we will have a problem solving session. Also, we will be discussing what are the important points. Okay, so what we will do, first of all, you go in your sheet. Okay. You go in your sheet and open first page. Are you ready with that? Okay. So we will continue with 28 June sheet. We will continue with 28 June sheet, which is provided to you. So first problem we will solve, that will be problem number 253 from your PDF. Okay, a rectangular coil of moving coil galvanometer of 100 turns, each of length 4 cm and breadth 3 cm, is suspended freely in radial magnetic field of induction 2 into 10 raised to minus 2 Newton per ampere meter. The torsional constant of the suspension fiber is 2 into 10 raised to minus 8 Newton meter per radian. The deflection of the coil when the current of 2 microampere is passed through is nearly. So why I took this problem? Because already we have discussed this problem yesterday when we had a Google Meet. But as you know, there is a big rush for the Google Meet. Only 6 students. So in that only 6 students rush, I thought that it is good to discuss with you. Main kya karta hu beta? जो बच्चे मेरे को डाउट पूछते हैं उसका सबको मिलना चाहिए, ये मेरा नजरिया है। जो बच्चे डाउट पूछते हैं उनका तो क्लियर होता है, लेकिन वो जो नहीं पूछते उनका भी क्लियर होना एक इम्पोर्टेंट चीज है, उसके लिए मैंने प्रॉब्लम लिया है। एंड दैट वाज अ डाउट फॉर मोर देन 2-3 स्टूडेंट्स, सो आई थॉट इट इज बेटर टू डिस्कस विद यू। सो विल स्टार्ट विद द डिस्कसिंग डाउट। ओके, टर्न दिया है, एन कितना दिया है? 100 दिया है। ओके, लेंथ कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। एंड ब्रेड कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर दिया है। इंडक्शन मतलब बी दिया है, बी कितना दिया है आपको? 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और के क्या दिया है? के विल बी 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 8 न्यूटन मीटर पर रेडियन। ओके, एंड करंट दिया है 2 माइक्रोएम्पियर, मतलब 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 6 एम्पियर। ओके, सो फॉर्मूला कौन सा करना है? तो आपको ये जो डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनेटर का, सपोज ये डिफ्लेक्शन है मेरा, तो ये 0 से कितना एंगल करता है? थीटा। और उस टाइम कितना करंट होता है? वो आई होता है। ये जो होता है वैल्यू ऑफ करंट होता है। सो डिफ्लेक्शन ऑलवेज गिव्स आइडिया अबाउट करंट सेंसिटिविटी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्रॉब्लम खाली सिखाऊं, नहीं। व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम आई विल बी टेलिंग यू मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड विथ योर टॉपिक। इसीलिए मैं प्रॉब्लम लेता हूँ, इसीलिए वो पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, सब है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करने का? थीटा इज इक्वल टू एन बी आई ए अपॉन के, एन इज द नंबर ऑफ टर्न, एल इन टू बी। ओके, एरिया कैसे निकालोगे? यहां से एरिया विल बी एल इन टू बी। सो एरिया ए कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर। सो एरिया विल बी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10 रेस टू माइनस 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर टू मीटर माइनस 2 आएगा, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 और 3 इंटू 4 12, तो बन जाएगा 12। ओके, गॉट माई पॉइंट? नाउ विल पुट द वैल्यू। सो थीटा विल बी एन 100 आएगा, बी कितना? 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2, आई कितना?
टू इंटू 10^-6, ये कितना आएगा 12 × 10^-4 डिवाइडेड बाय के, कितना दिया है आपको, के दिया है 2 × 10^-8, ये टू टू को कैंसिल हो जाएगा, 12 × 2 = 24, थीटा कितना मिलेगा यहाँ पे लिखता हूँ मैं, थीटा कितना आएगा बेटा, थीटा आएगा आपका 12 × 2 = 24, ये 100 और ये -2, ये मतलब ये चला जाएगा, इसको इससे काटा मैंने, 6 + 4 = 10, -10 हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा, × 10^-2 - 2 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो गया 0.24 रेडियन, क्योंकि ये कहाँ पे दिया है, ये आपको न्यूटन मीटर पर रेडियन दिया है, यहाँ पे आप गलत कर सकते हो, यू मे गो रॉन्ग एट दिस पॉइंट, सो कीप इन माइंड टू डू दैट रेडियन टू डिग्री, सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 180 / π, तो ये आंसर आपका आता है मोर अबाउट 14 डिग्री तक आता है, तो इसको चेक करिए एंड जस्ट नोट डाउन द प्रॉब्लम, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके आर यू रेडी, सो लेट मी जस्ट विल गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 254 बेटा, जो मेरे को इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लगा था वो मैंने आपके सामने रख दिया है, अ गैल्वेनेटर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 75 ओहम, तो आरजी कितना दिया आपको 75 ओहम, गिव्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मैंने बोला था आपको जहां पे वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताएंगे उसको आईजी कितने, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितने का आईजी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 25 mA, 25 × 10^-3 एम्पियर, द शंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर टू मेजर करंट अप टू 50 एम्पियर, तो एस आपको पूछा है और करंट दिया है अप टू 50, मतलब मैक्सिमम करंट 50 एम्पियर दिया है, तो आपको पूछे, तो जैसे मैंने आपको दिया है ऐसे आपको वो देख के करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, देखो ये मेरा गैल्वेनोमीटर है और ये उसका रेजिस्टेंस है और शंट का वैल्यू उन्होंने पूछा है, ये मैं बार बार क्यों डायग्राम निकाल रहा हूं आपको समझने के लिए, तो यहां से बेटा आएगा आपका आई, यहाँ पे जाएगा आई जी, यहाँ पे जाएगा आई माइनस आई जी, ये बन जाएगा आपका आर जी, ये बन जाएगा एस, तो शंट का फॉर्मूला कैसे बनेगा आपका, एस विल बी इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू आर जी, ओके, तो एस, तो एस कैसे बनेगा, आई जी कितना दिया है 25 × 10^-3 अपॉन, अभी I कितना है 50 एम्पियर है और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.025 एम्पियर, तो 50 एम्पियर से ये सब्ट्रैक्ट करने का, तो उसको हम ये कर सकते हैं, उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आर जी कितना दिया है 75, इसको निगलेक्ट करो, ऊपर मत यहाँ पे निगलेक्ट करो, तो निगलेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा 25 × 75 × 10^-3 अपॉन 50, तो 50 × 25 = 50, यहाँ पे 37.5 × 10^-3, तो आपका आंसर कितना है बराबर है, ऐसा आ गया 1, 2, 3 0.0375 ओहम, तो आपको हरदम ध्यान में रखना है अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम शंट करेंगे, अभी यहाँ इसी केस में वो आपको कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं, अगर आपको शंट दिया है, ये दिया है लेकिन ये इतना नहीं है, दूसरा कौन सा भी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आरजी के साथ कोई भी दूसरा रेजिस्टेंस आपको कॉइल के साथ रखना पड़ेगा, तो उस केस में हमको ऑलवेज याद में रखना है
इन दोनों का मिला के रेजिस्टेंस कितना है, आर जी इंटू एस अपॉन आर जी प्लस एस, ये रेजिस्टेंस है। अगर आर जी दिया है, आर जी के साथ अगर दूसरा करना है तो इधर आप आर जी प्लस दैट रेजिस्टेंस वो कर सकते हैं। सो दैट वॉज अबाउट द दिस प्रॉब्लम। सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, अभी बेटा डायरेक्टली जाते हैं 257 को। आप पूछोगे मेरे को, सर एक एक बार आप ब्लू यूज करते हो, रेड लॉकडाउन का पीरियड है, जो इंक मेरे पास है वो ब्लू नहीं है, आई डोंट हैव ब्लू इंक, स्कूल में भी उस टाइम नहीं थे अवेलेबल, तो जो ब्लैक ब्लू ब्लैक ग्रीन और रेड इंक थी वो मैंने मेरे पास लाई है, और आज शाम के टाइम जब कल मेरा ये था डाउट सॉल्विंग, तो उस टाइम भी मेरा प्रॉब्लम होता, कुछ चल नहीं रहा था, तो बीच बीच में उसको चलाना पड़ता है, इसलिए मैं सब मार्कर्स का यूज करता हूँ, मतलब वो चलते रहते हैं, उसकी इंक खराब नहीं होती। सो फॉर दैट सेक प्लीज एडजस्ट। सो दैट अपार्ट वी विल गो फॉर 257। अ कैलकुलेटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट ऑफ 0.1 एम्पियर। तो आई जी कितना मिल गया, आई जी 0.1 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना दिया उन्होंने कैलकुलेटर का, 100 ओम आर जी ना, राइट, आर जी इज इक्वल टू 100 ओम। ओके, और बाद में क्या पूछे, द सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट टू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 100 वोल्ट। वी 100 वोल्ट चाहिए, और ये वोल्टेज मिलने के लिए जो सीरीज रेजिस्टेंस चाहिए, ये वेरी सिंपल है। आज ये मैंने क्यों प्रॉब्लम लिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये अभी तक कैलकुलेट करने का शायद नहीं पता होगा, तो उनके लिए दिस इज द राइट टाइम। ये कैलकुलेटर है मेरा, इसको जी बोलता हूँ, ये उसका आर जी बन गया। जब मैं इसको एक आर से कनेक्ट करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा, कितने बार बता रहा हूँ देखो बेटा, अभी ये 100 टाइम्स होगा बता रहा हूँ, ये होगा आपका, ये बन गया मेरा वोल्ट मीटर, ये बन गया मेरा वोल्ट मीटर। अभी क्या करेंगे, यहां से आया मेरा आई, और ये आई सभी से जाएगा, तो जितना करंट, इसको आई जी भी बोल सकता हूँ, तो नो प्रॉब्लम, जितना करंट कैलकुलेटर से जाएगा उतना ही करंट ये रेजिस्टेंस से जाएगा, तो मेरा वोल्टेज कैसा बनेगा, ये बनेगा वी जी और ये बनेगा वी आर, एंड टोटल वोल्टेज वी विल बी वी जी प्लस वी आर। तो इसको लेते हुए हम ये कैसे लेते हैं, हम फॉर्मूला कैसे लेते हैं, आर इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस आर जी। तो R कैसे निकलेगा बेटा, देखो थोड़ा इसको रब करके लेता हूं, जस्ट लेट मी रब दैट, जाएगा नहीं है, ठीक है। R कितना दिया आपको, R पूछा है, R विल बी V 100 अपॉन आई जी 0.1 माइनस 100, तो R कितना बन जाएगा, 100 अपॉन 1000 माइनस 100, सो आर विल बी 900 ओम। लेट मी चेक द आंसर आल्सो, यस द आंसर इज 900 ओम। सो इज दैट क्लियर टू यू, सो लेट मी रिपीट, व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट कैलकुलेटर इनटू एमीटर वी विल कनेक्ट शंट इन पैरेलल, शंट को ही पैरेलल बोलते हैं, वी विल कनेक्ट शंट, एंड व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट गैलोमीटर इंटू वोल्ट मीटर वी विल कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्यों कनेक्ट करते हैं फिर से बता देता हूँ, फॉर आइडियल एमीटर वी मस्ट हैव इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस टू बी जीरो, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द एमीटर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस, सो हम उसको शट करके उसका रेजिस्टेंस कम से कम बनाते हैं। आइडियल वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, सो फॉर आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस शुड बी इंफिनिटी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है रेजिस्टेंस उसका इनफाइनाइट करना, तो उसका ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस रखने के लिए एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस हम उसके सीरीज में डालते हैं। देखो ना, अभी
इसका 100 ओम है, उसके सीरीज में 900, उससे बड़ा रेजिस्टेंस 100 डाला है, जो कि अपन को क्या देगा, परफेक्ट वोल्टेज का वैल्यू बता देगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। नोट इट डाउन। अभी आपका 255 ही बच गया है ना। मैंने क्या दिया आपको, मैंने क्या दिया, आई थिंक मैं शीट देखता हूँ, 255 56 भी बचा है ना, वो गलती से मैं उधर उधर कर दिया उसको। सो 255 256 भी लिख लेते हैं। तो अभी जाते हैं 255 को, विल गो फॉर 255 इन योर पीडीएफ। उसको जरा देख लो, 255 क्या दिया बेटा, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ कैलोनेटर ऑफ रेजिस्टेंस 495 ओम एंड इट्स स्ट्रेंथ इज 9.9 ओम। ओके 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 ओके, सो आपको आर इक्विवेलेंट दिया है, कितना दिया है, कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर एंड इट्स, एक मिनट ना, 255 दिया ना, हाँ 255 देखो, 255 मेरा अभी कंफ्यूजन हो रहा है। द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 495 ओम एंड शंट इज 9.9, तो आर इक्विवेलेंट आपका बन जाएगा 9.9 ओम। एंड आर जी कितना दिया है, आर जी दिया है उनका, आर जी दिया 495 ओम। ओके, द वैल्यू ऑफ शंट एकदम सिंपल है, आपको क्या पूछा है उन्होंने, दे हैव आस्क्ड यू द वैल्यू ऑफ शंट, एकदम सिंपल है, ये गैलोमीटर है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस मैंने पकड़ा आपका आर जी, और ये कितना बन गया शंट। तो मेरा शंट का वैल्यू क्या आएगा बेटा, नहीं सॉरी, इक्विवेलेंट इन दोनों का मिलके, ये और ये दोनों का मिला के मेरा आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू आर जी पैरेलल एस। तो मैं आर इक्विवेलेंट कैसे बन जाएगा मेरा, आर इक्विवेलेंट विल बी आर जी इनटू एस अपॉन आर जी प्लस एस। तो आर इक्विवेलेंट कितना दिया है 9.9, सो 9.9 इज इक्वल टू 495 इनटू एस अपॉन 495 प्लस एस। सो क्या मैं लिख सकता हूँ, 9.9 मल्टीप्लाइड बाय 495 प्लस एस इज इक्वल टू 495 एस। इससे मल्टीप्लाई किया, 9.9 मल्टीप्लाइड बाय 495 प्लस 9.9 एस इज इक्वल टू 495 एस। तो एस कितना बन जाएगा, 495 माइनस 9.9 हो जाएगा ना, तो कैसे हो जाएगा, 495 माइनस 9.9, ओके, सो एस विल बी, देखो डायरेक्टली कर रहा हूँ अभी, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो एस कितना बन जाएगा, एस इंटू 495 माइनस 9.9 विल बी इक्वल टू 9.9 टू 4, सो एस कितना बन जाएगा, 9.9 इंटू 495 अपॉन 495 माइनस 9.9, ये वैल्यू मेरा आ रहा है, एक मिनट, 0.0375, देखो इसको करके देखो, एक मिनट, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, आंसर कितना है, लेट मी चेक इट, ओके, आंसर आता है 10.1 ओम, आंसर आपका आता है 10.1 ओम, इसको देख लो, जस्ट डू द कैलकुलेशन एंड ट्राई टू गेट द रिजल्ट। सो ये जो टेक्निक है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा
क्या वो कैसे करते हैं, वो कैसे ये इसको आर इक्वेलेंट बोलते हैं, कंबाइंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो प्रॉब्लम एकदम सिंपल है, लेकिन लैंग्वेज अगर आपको समझा नहीं वो क्या पूछ रहे हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट देन यू विल हैव सम प्रॉब्लम्स ना। सो फॉर दैट सेक आई एम टेलिंग यू, सो कीप इन माइंड दिस। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Now we'll go for आपको कौन सा दिया उसके बाद में 256 दिया है ना। ओके, गैल्वेनेटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 98 ओम। देखो अभी गैल्वेनेटर के ऊपर पे पूरा प्रॉब्लम में लिया है, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, क्यों? इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको जेई में, सीईटी में, नीट में सब जगह आता है गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर। ये आपको थ्योरी में भी है, प्रैक्टिकल में भी है, और आपके कॉम्पिटिटिव में भी आता है। इसलिए हैव मच मोर फोकस्ड ऑन गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब ये नहीं है पूरा एग्जाम में गैल्वेनोमीटर ही होगा, ऐसा कुछ प्रेडिक्ट मत करो। एग्जाम तो सब सब पोर्शन के ऊपर होगा जो कुछ है आपको दिया हुआ, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व करते आना चाहिए। दैट इज माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू। सो 256 गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 98 ओम। तो आरजी कितना बन गया 98 ओम। ओके, और क्या दिया उन्होंने? इट इज शंटेड बाय 2 ओम रेजिस्टेंस। एस दिया है 2 ओम। ओके, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अरे वाह, वेरी नाइस। पहले आपको आईजी निकालना पड़ेगा एंड हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ आई इज आईजी, इसको नोट डाउन करके ले लो। क्या पूछा है देखो, टोटल करंट कितना आ रहा है आई, इसमें से आईजी का फ्रैक्शन कितना है, मतलब हाउ मच इज आई जी ऑफ आई। सपोज आई 10 एम्पियर है और आई जी मेरा बन गया 1, तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा आई जी अपॉन आई, ये बन गया 1/10, दैट इज 0.1। अगर परसेंटेज पूछा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, 10 में 1 तो 100 में 10, 10%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑप्शन में क्या दे देखते हैं, ऑप्शन में आपको दिया है परसेंटेज, दिया बोला था ना मैंने परसेंटेज, ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो अपन को क्या करना है, हाँ अभी यहाँ पे कैसे करना है, फॉर्मूला तो सबके पास है, एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू आर, ये फॉर्मूला तो सबके पास है। नहीं तो दूसरा भी मैंने फॉर्मूला दिया है, और यू कैन डायरेक्टली यूज आई जी इज इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस आर जी इंटू आई, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको यूज करो, दिस इज द डायरेक्ट वन। ओके, ये डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं इसको, इसको मैं स्टार बना देता हूँ। ये फॉर्मूला आपको मैंने आई थिंक शीट में भी दिया है, कल के लेक्चर में भी दिया है। तो अभी आपको क्या करना है, आई जी अपॉन आई आपको फाइंड करना है, ये भूल जाओ इसको, आई जी अपॉन आई। तो यहां से आपका आई जी अपॉन आई कितना बनेगा बेटा, आई जी अपॉन आई विल बी एस, एस कितना है 2 अपॉन आर जी 98 प्लस 2, तो ये बन गया 2/100, ये कितना बन गया 0.02। तो 0.02 इस हो गया आई अपॉन आई जी ना, आई जी अपॉन आई जी आई अपॉन आई जी सॉरी आई जी अपॉन आई बन गया, वेरी सॉरी आई जी अपॉन आई, 0.2, मतलब ये कितना बन गया 2%। तो हमें एग्जाम ये अपने ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन है वो, तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए आएगा 2%। ओके, सो कितना ब्यूटीफुली पूछा है, देखो एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, उसको सिंपली सिंपलिसिटी उसका रखते हुए लेकिन वो उसको प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया, प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम, ये तो ये प्रॉब्लम होगा नहीं, ये नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछा आपको
आईजी टू आई रेशियो कितना होगा, तो लिखोगे आप 2:100, 1:50, 1:50 रेशियो भी पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं पूछा उन्होंने। लैंग्वेज देखो, हाउ मच फ्रैक्शन, तो जिसको सब आता है लेकिन फ्रैक्शन वो निकालने के लिए नहीं आता है। इन दैट वे बेटा फिजिक्स इज समवेयर सोली डिपेंडेंट ऑन मैथ्स। अगर आपको मैथ्स नहीं आता, अगर मेरे को मैथ्स नहीं आते, तो मेरे को कितना भी फिजिक्स अच्छा है, मैं आपको ठीक से नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्यों? इफ आई विल नॉट हैव मैथ्स, सो मैथ्स इज अवर वेरी बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। ओके, मैथ्स फिजिक्स के पापा बोलेंगे उसको, पापा नहीं क्योंकि फिजिक्स तो बेसिक में है, तो मैथ्स इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फिजिक्स। तो ये एकदम सिंपल है, आगे के लिए जाते हैं। सो नोट दिस प्रॉब्लम, वी विल गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। वी हैव ऑलरेडी डन 257, तो अभी डायरेक्टली जाते हैं 258 के लिए। 258 PDF. 258 क्या है मेरा? गैलोनोमीटर हैज करंट रेंज 0 to 25 mA, करंट रेंज दिया है, एंड वोल्टेज रेंज 0 to 500 volt. सो आई का क्या रेंज दिया है? 0 to 25 mA, एंड वोल्टेज रेंज कितना दिया है? 0 to 200 mV. मतलब अगर इसको आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हो एमीटर में, तो करंट कितना मेजर कर सकता है ये? नहीं तो थीटा दिया है ना आपका, थीटा, थीटा के फॉर्मूला होते हैं NBIA/K, तो θ/I भी आ सकता है, θ/V भी आ सकता है। तो ये आपको दो रेंज दिया है। अभी क्या पूछा है? हाउ विल यू अडॉप्ट इट टू रीड द पोटेंशियल डिफरेंस अप टू 10 volt. हाउ यू विल अडॉप्ट इट टू रीड अप टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 volt, टू अडॉप्ट इट टू रीड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 volt. अब ये इसको अपने को पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट के लिए यूज करना है। अभी क्या है, ये जो है आपका इसमें मैंने आपको दिया है, तो यहाँ पे एक आपको दिया है फर्स्ट कैलकुलेट RG. तो ये क्या प्रॉब्लम है वो दिखा दो। ओके, तो सिंपल प्रॉब्लम है, अपन को अपना रेगुलर फॉर्मूला यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। R इज इक्वल टू V/IG - RG, यही फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहले RG निकालना पड़ेगा। RG कैसे निकालोगे? तो आपके पास ओहम्स लॉ है। ओहम्स लॉ क्या बोलता है? V is equal to IR and R will be equal to V upon I. तो अभी आपका RG भी ऐसे ही आएगा, V upon I. पहले V upon I कैलकुलेट करो। V कितना दिया है ये यूज करने का? 500. तो 500 मतलब 500 upon 25, वेरी सॉरी 20 ओम है, बराबर है। तो यही सोच रहा था मैं, ऐसे क्या गया। तो ठीक है, तो R कितना बन जाएगा? अभी इसको RG को यहाँ पे डालो, V कितना दिया? V अभी 10 करने का, करंट वही रखने का 25. ओके, 25, लेकिन अभी ये मिली एम्पियर है, तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 10 वोल्ट दिया है, 10^-3 - 20, ये 10 बन गया, 25 - 3, 0.025 - 20. तो R कितना बन जाएगा? देखो 10/, ये कितना हो जाएगा इसके 1 to 3 upon 25 - 20, ये कितना बन गया 400 - 20. तो R 380 आएगा आपका। कितना है आपका आंसर? करेक्ट है आपका आंसर, R है आपका 380 ओहम. सो नाउ लेट्स गो फॉर द प्रॉब्लम नंबर 259. आई थिंक 259 भी दिया है ना आपको, हाँ 259 भी दिया। सो विल गो फॉर द प्रॉब्लम नंबर 259. ओके, सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 258.
in your PDA. So the 258 problem asks us galvanometer has current range. Sorry, 258 ne. It's 259. Very sorry. The current measuring capacity of galvanometer of resistance RG diya hai 50 ohm is to be increased from X milliampere to 101 X milliampere. Actually, that should be 1 into 1X to 101X milliampere. तो 1x एंड 10x क्या होता है, जैसे आपका कैमरा में लेंस होता है, लेंस के लिए करते हैं ना 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मैग्नीफिकेशन, लेंस का मैग्नीफिकेशन जैसे यूज करते हैं, ये आपको समझने के लिए बताया मैंने। जैसे आप लेंस का मैग्नीफिकेशन निकालते हैं 1x 2x, तो वैसे ही करंट रेंज आपको पूछा है उन्होंने, ये दिया है 1x to 101 मतलब 1x मिलीएम्पीयर टू 101x मिलीएम्पीयर। और बाद में क्या पूछा है, हाउ विल यू मेजर, नहीं, इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज 30 डिविजन्स, तो थीटा कितना दिया है, थीटा मैक्स इज 30 डिविजन, तो हाउ विल यू यूज इट टू मेजर करंट ऑफ 3 एम्पीयर, आई विल यूज इट टू मेजर ऑफ करंट ऑफ 3 एम्पीयर, सो आई हैव टू मेजर अ करंट ऑफ 3 एम्पीयर and the range is given. So for that sake I have given you one formula. Okay, so this is very important formula, RG upon N minus 1. तो आपको directly मिल सकता है, उसको कुछ करने का जरूरत नहीं, okay, नहीं तो आपको पूरा वो करना पड़ेगा। तो ये formula आप use करो, S is equal to RG upon N minus 1. तो कभी भी आपको range की with respect to range, so related for questions related to range, okay, ये use करो इसको। तो n क्या लेने का, final, तो यहाँ पे n लेने का final, okay, और ये 1 दिया है इसलिए use कर सकते हो, अगर 2 से क्या किया होता तो 101 माइनस 2 आता, n माइनस 2 आता, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सो n लेने का फाइनल। अब s कितना बन जाएगा, rg दैट इज 50 अपॉन, ये ऐसे ही दिया है, इसका यूज करने का अपन को जरूरत नहीं, यूज करके ही ये फॉर्मूला आता है, लेकिन यहाँ पे अपन को यूज करने का जरूरत नहीं है, ओके, 50, ये एकदम शॉर्टकट मेथड है, 101 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 50 अपॉन 100, तो S कितना बन जाएगा 0.5 ओम, तो आपका आंसर कितना है, देखो आपका आंसर 0.5 ओम है, सो आई सजेस्ट यू टू नोट इट डाउन। नाउ बेटर लेट्स गो फॉर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच आर इसेंशियल इन ऑर्डर टू अटेंड फॉर द टुमारोज एग्जाम, मीन्स नॉट पॉइंट्स फ्रॉम रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉइंट्स फ्रॉम फिजिक्स। तो मैं अभी क्या करूंगा, इसके बाद पूरे टॉपिक को एक बार रिवाइज करूंगा, सो दैट यू विल बी हैविंग इन द एग्जैक्ट कंडीशन टू फेस द एग्जाम। सो ऑल ऑफ यू बी रेडी विथ योर नोटबुक्स, जो जो मैं लिख रहा हूँ आपको आता है नहीं आता, एक बार उसको नोट डाउन करते जाओ। इसका क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, जैसे जैसे मैं लिखते जाऊंगा आपको उसका प्रैक्टिस हो जाएगा एक बार लिखने का, और वो हो जाने के बाद आप अपना अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रैक्टिस करो। लिखने का मतलब कुछ नोट्स नहीं देने वाला, फॉर्मूला और आपका एक डेटा तैयार हो जाएगा। सो लास्ट लीफ बोलते हैं ना उसको, लास्ट लीफ हम सॉल्व करते हैं, हाँ, तो लास्ट का पेज उसका, ओके, सो विल गो फॉर। तो पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे तैयार होते हैं। सो फर्स्ट इज
मैग्नेटिक फील्ड, अराउंड कंडक्टर। तो इसमें क्या आएगा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर आएगा मेरा, तो वहां पे मैं देखूंगा। तो अपना क्या है, ये सब रिवीजन है आपका, ओके, इसको रिवीजन बोलता हूं। तो मैंने अगर एक कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर लिया, तो आपको मालूम है अभी अगर आई करंट जाता है तो ये पॉइंट है, तो यहां पे मेरा फील्ड कैसे जाएगा, करंट कैसे, तो रूल को कौन सा यूज करेंगे, रूल, राइट हैंड रूल। फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल यूज करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, यहां पे गोइंग इन, यहां पे कमिंग आउट। सपोज ये डिस्टेंस आर है, तो अभी आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड के लिए कौन सा रूल यूज करेंगे, बायॉट सेवर्ट्स लॉ। तो बायॉट सेवर्ट्स लॉ क्या बताता है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो वो लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, देखो, ओके, ये दो केस लिखते हैं। एक केस नंबर वन, आप ऐसे लिख सकते हो, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है। अगर कैप यूज करते हो तो आपको लिखना है आर स्क्वायर, ध्यान में है बेटा आपके, अगर आप कैप यूज कर रहे हो यहां पे कैप वेक्टर, तो आर कैप कैसे आता है, वेक्टर आर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर आर कैप की जगह आप आर लिखोगे तो वो बन जाएगा आर कैप इंटू आर, तो उधर वो लिखने के लिए, नहीं तो आर कैप की जगह ये लिखा तो और एक डिनोमिनेटर में ये ऐड हो जाएगा। तो अगर आपने ऐसे लिखा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर, तो बन जाएगा आर क्यू। तो अगर उधर कैप नहीं है, ये वेक्टर है, वेक्टर का साइन नहीं है, है आपको मालूम नहीं है, लेकिन अगर उधर कैप अगर नहीं है तो आपको जनरली कैसे लिखना है, क्यूब में लिखना है। तो अगर वेक्टर में आर लिखा, ऐसा लिखा मैंने, और जस्ट सिंपल आर लिखा, तो उधर आर क्यूब आएगा डिनोमिनेटर में आता, ये आपको ध्यान में रखना है, तो कीप इन माइंड। सो हाउ वी कैलकुलेट, वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट अराउंड द कंडक्टर बाय यूजिंग बायॉट सेवर्ट्स लॉ, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, नहीं तो ये दोनों भी सेम है, डी बी इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर, यहाँ पे आर, आर कैप नहीं है, अपॉन आर क्यूब, वो दोनों भी है, ये बन गया बायॉट सेवर्ट्स लॉ। तो अभी बायॉट सेवर्ट्स लॉ का यूज करते हुए कैन वी हैव सम एप्लीकेशंस, यस। सो सेकंड चीज है आपका, सेकंड थिंग इज द एप्लीकेशंस ऑफ बायॉट सेवर्ट्स लॉ। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, मतलब आपको आज क्या रीड करना है, पहले तो आपको बायॉट सेवर्ट्स लॉ और उसका स्टेटमेंट और उसका प्रोपोर्शनलिटी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि आई आई से कैसे प्रोपोर्शनल होता है, वो आर से कैसे प्रोपोर्शनल, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आपका आ सकता है। नाउ विल गो फॉर एप्लीकेशंस ऑफ बायॉट सेवर्ट्स लॉ। तो एप्लीकेशंस ऑफ बायॉट सेवर्ट्स लॉ में आपको क्या आएगा, वो भी आपको मैंने ये शीट पे दिया है, शीट में अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे पूरा मैंने आपको लिख के दिया है और वो आपको पढ़ना है। इसमें क्या, पहले आता है करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, रिंग नहीं तो उसको कॉइल बोलते, कौन सा भी कॉइल नहीं बोलते क्योंकि ज्यादा कॉइल मतलब नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह हो जाएगा। तो ये ऐसा है, करंट सपोज ऐसे जा रहा है, मतलब ये ऐसा हो जाएगा,
मतलब अगर इस पॉइंट को अगर देखोगे ये बन जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऐसा है ऐसा, ओके गेटिंग माय पॉइंट, तो उसके लिए ऐसा बन जाएगा, ओके। तो एट दिस पॉइंट अगर आपको लिखना है तो इसको ए बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे। तो आपका फॉर्मूला कैसे आएगा, इसको मैं छोटा बना देता हूँ, आप अपने को फॉर्मूला लिखना है। सो ये अपना पॉइंट है, अपन का पॉइंट है पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी निकालना है अपन को। तो अपन कैसे करेंगे, वी विल यूज फॉर्मूला बी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन फोर पाई, है ये नहीं डायरेक्टली सॉरी, बी विल बी वी नॉट एन आई इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब इसका रेडियस, टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू थ्री बाई टू। समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसमें आपका स्पेशल केस बनेगा। स्पेशल केस कौन सा होगा, ध्यान से देखो, R इज इक्वल टू जीरो दैट इज एट सेंटर, तो कॉइल पे सेंटर पे कैसे आ जाएगा, आर जीरो बन गया, तो ए स्क्वायर को ब्रैकेट रेस टू थ्री बाई टू, तो ये मतलब कितना बन गया, ये देखो वी नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू, ये जीरो बन गया, ए स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू, ये टू ने टू को काटा, ये बन गया ए क्यूब, ये बन गया ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बी इज इक्वल टू वी नॉट एन आई अपॉन टू ए। अगर नंबर ऑफ टर्न वन है तो ये एन हट जाएगा, एन इज इक्वल टू वन इफ सिंगल, यहां पे भी लिखता हूं एन इज इक्वल टू वन इफ सिंगल कॉइल है, सिंगल सिंगल नंबर ऑफ टर्न है। तो अपने फॉर्मूले कैसे बन गए, बी नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू थ्री बाई टू, सेकेंड कौन सा बन गया आपका, बी इज इक्वल टू बी नॉट एन आई अपॉन टू ए, नहीं तो बी नॉट आई अपॉन टू ए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये दो बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बायआउट सेवर्ट्स लॉ, बन गया ओके। हम अभी आगे जाते हैं, सेकेंड एप्लीकेशन है, अगर आप आपने नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को रिवाइंड करो और इसको नोट डाउन करके लो, जस्ट नोट इट डाउन। इसके बाद आएगा आपका एप्लीकेशन, वो आएगा आपका स्ट्रेट कंडक्टर, ये मैंने हजार बार बताया है लेकिन आपका जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना मेरे लिए और उससे ज्यादा आपके लिए दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर द केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर एक ही बार बताऊंगा, अभी बताऊंगा, ये लास्ट बार होगा, स्कूल शुरू होने के बाद भी कोई भी मुझे नहीं पूछेगा क्योंकि ये मैंने हजार बार बताया है, लेकिन अभी एट लास्ट लास्ट सिनेरियो। स्ट्रेट कंडक्टर में हम कैसे लेते हैं, पहले केस ऐसा लेते हैं, जिन जिन लोगों ने देखा नहीं है, जिन लोगों ने मेरा डाउट सेशन अटेंड किया उन लोगों को तो ये अभी थाउजेंड्स टाइम होगा, आई ओके ये और ये इसको जोड़ के लो, अभी मैं डेरिवेशन नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसको बोलो अल्फा इसको बोलो बीटा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, देखो बी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन फोर पाई आई, इसको आर बोलो, आई अपॉन नहीं तो डी बोलो, कुछ भी बोल सकते, आई अपॉन आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर किसी को ये फॉर्मूला मालूम नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता ये टॉपिक में,
इतना ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो इसको वी आई एम पी डालो कौन से भी एग्जाम के लिए जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 है उसके लिए, इसको बोलते हैं जनरल केस। ये बन गया अपना जनरल केस, इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फाइनाइट। तो इसमें पहला केस क्या बनता है, केस 1 इनफाइनाइट बनता है, इनफाइनाइट। तो कैसे लेने का, ये कंडक्टर को दोनों भी साइड को इन्फिनिटी लेने का, तो अल्फा लेने का 90, बीटा लेने का 90, तो साइन 91, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 इसको काटेगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बन गया। ये बन गया इनफाइनाइट के लिए। अब ये केस आता है उसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट, तो यहां पे लिख देता हूं केस 2 सेमी इनफाइनाइट, उसमें एक 90 होता है एक आपका 0 होता है, तो वो कैसे लेने का, यहां से लेने का और यहां पे इनफाइनाइट करने का, तो यहां पे एक बाजू से लिया उसको तो अल्फा 0 बन जाएगा ओके, और बीटा बन जाएगा 90। अगर इसको सेमी फाइनाइट पकड़ा तो ये कितना बन जाएगा, यहां से यहां जोड़ा तो बीटा नॉन जीरो और नॉन 90 बन जाएगा। तो यहां पे इस सेमी इनफाइनाइट केस में क्या होता है, अल्फा 0 बीटा 90, तो यहां पे खाली साइन बीटा बन जाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मी नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू साइन बीटा और साइन अल्फा कुछ भी। अगर दोनों भी ये भी ये तो जीरो है और ये भी कुछ एंगल है, तो यहां पे अभी ये 90 बन गया ना, ये 90 बन गया, साइन 91 आएगा, तो उस केस में अपना फॉर्मूला इधर कितना आएगा, इसके लिए कितना आएगा, अल्फा 0 बन गया, साइन 0 साइन 91 0 प्लस 1 दैट इज 1, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। ये किसका बन गया, ये बन गया बीटा, मिला ना मुझे बीटा, तो ये इस केस के लिए बन गया, इस केस के लिए आर ये बीटा अल्फा इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं सेमी फाइनाइट, इसको क्या बोलते हैं, इस केस को बोलते हैं सेमी फाइनाइट, मतलब एक बाजू से फाइनाइट, तो एक बाजू से मैंने उसको डायरेक्ट लिया और दूसरी बाजू को इनफाइनाइट नहीं है, कहीं पे एक पॉइंट पे उसको रख दिया, मतलब ये मेरा कंडक्टर है तो यहां से मैंने इस पॉइंट को लिया और ये कंडक्टर इनफाइनाइट नहीं यहां तक ही है, तो उस केस में ये यूज करने का, तो ये 1 2 3 4 ये 4 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना हो, आई विल सजेस्ट यू टू नोट इट डाउन। तो अभी बेटा जाते हैं सोलेनॉइड के लिए, सोलेनॉइड कैसे बनता है, तो मैंने आपको बताया था, नाउ सोलेनॉइड के लिए मैंने उसको एन नंबर ऑफ टर्न में ऐसे बाइंड किया, नहीं तो ऐसे बाइंड किया, आपको दिखाया था मैंने, सपोज किसी भी केस में सपोज यहां से करंट ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है, तो यहां पे होगा नॉर्थ, यहाँ पे होगा साउथ, तो आपको दिखाना कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है ऐसा, तो अगर सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह एक्ट करता है तो वही हो जाएगा, ये बन गया अपना पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेट, लेकिन अंदर 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 वो यूनिफॉर्म रहेगा। तो इस डायग्राम को मैं हटा देता हूँ, एक ही डायग्राम बस है अपने को, तो इंपॉर्टेंट क्या है, एक नंबर आउटसाइड सोलेनॉइड बी विल बी कर्व्ड, मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ये ऐसा अगर सोलेनॉइड का एक एरिया दिखा मैंने तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा वैसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे
इनसाइड द सोलेनोइड कैसे है देखो, पैरेलल है ना, ऑल फील्ड लाइंस ये लिख के लो अपने पास आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि कुछ कुछ चीजें होती है एट द टाइम ऑफ लेक्चर कभी कभी हम भूल जाते हैं, भूलने तो मतलब वो फ्लो में नहीं आते हैं, तो जो जो चीजें याद आती है उसको प्रैक्टिस सेशन में हम कवर करते हैं। तो ऑल फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्व मतलब नॉन यूनिफॉर्म रहेगा और यहां पे वो यूनिफॉर्म रहेगा। तो ये बन गया सोलेनोइड के लिए मेन इंपॉर्टेंट थी। अभी सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है ये भी मैंने आपको सिखाया। सो एट फर्स्ट आई विल सजेस्ट यू टू नोट इट डाउन, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। खाली प्रॉब्लम सॉल्विंग करने से कुछ नहीं हो पाएगा, आपको अगर समझेगा तो आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस रिवीजन। ओके, सो नोट इट डाउन। तो उसके लिए फोर इंपॉर्टेंट डायग्राम्स टू रिमेंबर, कौन सा है आपको भी मालूम है। मैं कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं बताता, कभी भी मैं रॉकेट साइंस नहीं बताता, जो बच्चों को वेरी इंपॉर्टेंट है सिंपल सिंपल चीजें बताता हूं जो आपको इसेंशियल है। केस वन, ये आपको सबको मालूम है, आपको भी रिसेट हो गया होगा। आई क्लॉकवाइज, बी गोइंग इन। केस टू, आई एंटी क्लॉकवाइज, बी कमिंग आउट, ये आपको मालूम ही होना चाहिए। ये कौन से एरिया के लिए, यहां से अगर देखोगे तो बी गोइंग इन मतलब यही आपको कैसे दिखा सकते हैं, यहां पे आपका नॉर्थ पोल होगा, ऐसे अगर इसको निकाला मैंने ऐसे 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 निकाला, तो यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे आपका साउथ पोल होगा, मतलब अंदर जाते हुए देखा देखा, समझ गया बेटा, इसको कर लो। अभी केस थ्री, उस उल्टा अगर आपको बी दिया है, ऐसा बी क्लॉकवाइज दिया है, बी क्लॉकवाइज, तो कंडक्टर कैसे होगा, कंडक्टर में करंट, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी पहले ठीक है, कंडक्टर में करंट आएगा ऐसे, और केस फोर उसमें बी दिया है क्लॉकवाइज, बी दिया है क्लॉकवाइज, तो करंट कैसे बन जाएगा, करंट जाएगा अंदर। सो ये चार चीज जिसको आता है, दिस फोर डायग्राम्स, द वन हु नोज इट फॉर हिम और हर देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसको नोट डाउन करो, ऑफकोर्स आपको मालूम होगा। अभी आता है एक इंपॉर्टेंट चीज, वो आता है मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू सोलेनोइड, तो जनरल फॉर्मूला इज म्यू नॉट एन आई, लेकिन हमने जो डिराइव किया था अगर उसको एक साइड पे ले ले तो कभी कभी वो 1/2 म्यू नॉट एन आई भी आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जनरल फॉर्मूला आपका ये है म्यू नॉट एन आई, लेकिन जो उसको एक साइड में लिया, एक एक साइड को लिया, एक साइड से मेजर किया, तो आता है 1/2 म्यू नॉट एन आई, क्योंकि हम क्या करते हैं लेते समय इसका हाफ कर देते हैं, इसका हाफ कर देते हैं और देन डिराइव करते हैं। ओके, सो दिस आल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ लेट्स गो फॉर टोरॉइड, के लिए जाने का जरूरत नहीं, अपने को फॉर्मूला है टोरॉइड का, तो मेरा लेक्चर एकदम पॉपुलर है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपने देखा होगा उसको, स्विच अप किया है मैंने, सो देयर इज नो नीड टू गो फॉर टोरॉइड। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉरेंस फोर्स
motion of charged particle ये लेते हैं। तो लॉरेंस फोर्स में आपका क्या आता है, मैंने बताया था F total is equal to F electric plus F magnetic आता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक पार्ट क्या होता है Q into E और मैग्नेटिक पार्ट क्या होता है Q into V cross B, ये बन गया मेरा टोटल फोर्स। तो ये जनरल इक्वेशन है लॉरेंस फोर्स के। अभी क्या करना है, अगर एक पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में, अभी इलेक्ट्रिक का जरूरत नहीं है ज्यादा करने का, वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करना है। सो वी विल गो फॉर कैलकुलेटिंग मोशन, कैलकुलेटिंग मींस डिस्कसिंग द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। सो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर मैग्नेटिक, सो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफकोर्स यूनिफॉर्म। ओके, तो उसमें ये आपको ख्याल करना पड़ेगा वी एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू सॉरी क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो इसका वैल्यू कैसे आएगा, एफ एम विल बी क्यू वी बी साइन थीटा। तो ऑफ कोर्स इसका केस कितना आएगा, तीन केस आएगा, और ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं केस वन बना देता हूँ। केस वन क्या बन गया, थीटा जीरो मतलब क्या, वी पैरेलल टू बी मतलब कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया और पार्टिकल का वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, तो थीटा जीरो आएगा। तो उसमें कितना आएगा, कॉस जीरो वन, एफ कितना आएगा क्यू वी बी, एफ कितना आएगा क्यू वी बी आएगा। अभी केस टू, अगर वो परपेंडिकुलर है, एंटी पैरेलल अगर है तो कुछ प्रॉब्लम, माइनस क्यू भी आएगा। इफ एंटी पैरेलल थीटा इज इक्वल टू पाई देन एफ विल बी माइनस क्यू वी बी, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट उसको फोर्स मिलेगा। ओके, अभी देखो अगर बी मेरा गोइंग इन है और वी मेरा परपेंडिकुलर है, केस थ्री, केस थ्री को क्या बोलेंगे, वी परपेंडिकुलर टू बी। तो इसको मैं बोलता हूं, इसको बोलता हूं बी, इसको बोलता हूं वी, ये कितना हो जाएगा, ये सॉरी यार, अरे ये सॉरी 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 कॉस जीरो ना ना बराबर है बराबर है बराबर है, एक मिनट, साइन जीरो, वेरी सॉरी यार, वो मैं आपका यही कर रहा था, पोटेंशियल एनर्जी का क्यू वी बी साइन थीटा है ना जीरो आएगा, अनडिवाइडेड सॉरी वेरी सॉरी एंटी पैरेलल, ए वेरी सॉरी हाँ एंटी पैरेलल। ओके, तो बेटा केस वन थीटा इज इक्वल टू जीरो, वी विल बी पैरेलल टू बी, अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स मेरा कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। एंटी पैरेलल में थीटा इज इक्वल टू पाई, उस केस में भी एफ मेरा बन जाएगा जीरो, क्योंकि साइन थीटा दैट इज साइन जीरो साइन पाई दोनों भी क्या आता है, जीरो आता है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आएगा आपका एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन नाइनटी, साइन नाइनटी आपका वन आता है तो आपका एफ आएगा क्यू वी बी। ओके, लेकिन अभी इस केस में वो कैसे हो जाएगा, तो अभी इसके बाद हम सीखते हैं पाथ कैसे हो जाएगा, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द पार्टिकल, आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो लेट्स गो फॉर डूइंग द रिविजन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो ये क्यों करना है, क्योंकि आपको बाद में साइक्लोट्रॉन सीखना है। तो अगर यहां से वेलोसिटी जा रहा है तो v क्रॉस b ये बन गया v, सपोज ये b अंदर है ऐसे जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो v क्रॉस b तो f विल बी अप, तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल विल बी प्रोवाइडेड विथ सच फोर्स विच विल बी अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर एंड पार्टिकल विल स्टार्ट टू परफॉर्म अ सर्कुलर पाथ, इसको b बोलता हूं, और f कैसे बन जाएगा, उसको अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर बन जाएगा। तो पार्टिकल विल
go around the circular path. So if V is perpendicular to B, then F acts along the radius and towards the center. मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स कितना है, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. तो वी ने वी को काटा, वी बच गया, तो मेरा वी का वैल्यू कितना आएगा बेटा, वी विल बी क्यू बी आर अपॉन एम. ये बन गया फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी. तो एक फॉर्मूला बन गया क्यू बी आर अपॉन एम. ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यही आप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के लिए यूज करते हैं. अभी अगर आपको उन्होंने पूछा कि टाइम पीरियड क्या है, तो अपने को फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. तो स्पीड ले लगे वी, डिस्टेंस ट्रेवल इसको ले लो 2 पाई आर, टाइम पीरियड को लो टी. सो वी कितना बन जाएगा 2 पाई आर अपॉन टी. तो टी कितना बन जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी, 2 पाई आर अपॉन क्यू बी आर अपॉन एम. आर आर कैंसिल हो गया, तो टी कितना बन गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी. इसको ही बोलते हैं टाइम पीरियड. ओके, और फ्रीक्वेंसी निकालना है अगर आपको, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, देन फ्रीक्वेंसी यू विल कैलकुलेट एज क्यू बी अपॉन 2 पाई एम. यही आपको बाद में जब यू विल लर्न द साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन अभी पढ़ाने वाला नहीं हूं मैं, व्हेन यू विल लर्न साइक्लोट्रॉन एट दैट टाइम यू विल हैव द सेम फॉर्मुलेशन. दिस इज फॉर टाइम पीरियड एंड दिस इज फॉर फ्रीक्वेंसी. अंडरस्टूड? इसको नोट डाउन करो. सो फ्रेंड, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स. इसको लेने के बाद हम आज का डिस्कशन स्टॉप करते हैं. मतलब मैंने अभी क्या किया, मैंने आपको पूरा जो टॉपिक सीखा था सब लेक्चर का निचोड़ के आपको एक लेक्चर में कॉम्प्रेस करके दे दिया. अभी जिसको एज अ प्रैक्टिस करना, आप लोग, मैं बोलता हूँ यू आर वेरी 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 लकी, क्योंकि अभी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी हम लोग ये वीडियो डिलीट नहीं करेंगे ना, वो तो रहेगा. तो आपके लिए नॉलेज का सागर है अभी, और ऑन द फिंगर टिप जब जी मर्जी आप चाहे तो मुझे देख सकते हो. मैं भी ना बोल नहीं सकता, अरे मत देखो देखो अभी, ऐसा कुछ नहीं बोल सकता. तो इतना, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना बेटा. ओके, तो ये लास्ट करते, इसके बाद बंद करते. तो ये दो कंडक्टर है, एक बार शांति से देखो सब सर्जन. इसमें जा रहा है करंट आई वन, इसमें जा रहा है करंट आई टू. करंट इन सेम डिरेक्शन ले रहा हूं, हाँ, करंट इन सेम डिरेक्शन. डिस्टेंस कितना है बेटा, डिस्टेंस आर है. तो भी क्या हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कितना हो जाएगा, ऊपर जा रहा है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड यहां ऐसा आ जाएगा, है ना. सो एट दिस पॉइंट व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड विल बी गोइंग इन, क्योंकि ये ऐसा है. तो उसको बोलता हूं मैं बी वन, और इसके वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, वो आएगा कमिंग आउट. अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी. तो दो फोर्स मिलेगा एफ वन टू, दैट इज ऑन वन बाय टू. एफ टू वन विल बी ऑन टू बाय वन. तो पहले बी निकाल के लेते हैं फटाफट.
फटाफट निकाल के लेते हैं, बी वन, बी वन कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर साइन अल्फा साइन बीटा का केस आप ध्यान में रखो इंटू टू, तो ये टू मतलब डायरेक्ट कितना आ जाएगा मेरा म्यू नॉट बी वन है बी वन टू टू आई वन, आई वन अपॉन टू पाई आर, बी टू कितना मिलेगा म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई आर, तो एफ कितना मिलेगा एफ वन, एफ वन कितना मिलेगा पी आई एल साइन 90, एल ऊपर है बी अंदर है या बाहर है 90 है, तो बी आई एल तो एफ वन, अभी बी एफ वन है ना उसके ऊपर, मतलब ये बी टू बन जाएगा, करंट कौन सा है आई वन बन जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, तो मतलब ये कैसे लिखने का बी टू आई वन इंटू एल, वेरी इंपॉर्टेंट, तो बी टू कितना है म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई आर इंटू आई वन कितना आई वन इंटू एल, तो ये सब करते हुए ये अभी आपको करने का जरूरत नहीं है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, इससे ये मिलेगा आपको, ये फॉर्मूला मिलेगा आपको एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई, ध्यान में रखो आई वन आई टू अपॉन आर इंटू एल, ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन पैरेलल कंडक्टर्स केस वन, अगर दोनों भी कंडक्टर सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट अट्रैक्ट हो जाएगा ना, वो भी आता है एल क्रॉस बी, तो एल और यहां पे इधर था एल क्रॉस बी इधर जाएगा, यहां पे एल क्रॉस बी यहां पे ऐसे जाएगा, तो केस वन सेम डायरेक्शन अट्रैक्टिव और केस टू अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन रिपल्सिव, ये आपको ध्यान में रखना है वेरी इंपॉर्टेंट, वी आई एम पी आई, ये बन गया, और आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई I1 I2 upon R, इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब L को मैंने अगर यूनिट कर दिया तो मेरा फोर्स कितना बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई I1 I2 upon R, सो फ्रेंड्स इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट दिस टॉपिक टॉपिक चैप्टर चैप्टर नंबर 4, सो एट लास्ट आई विल विश यू बेस्ट लक, ओके डू वर्क हार्ड, study each and everything, study for from each and every corner of your book, practice much more problems, I hope you will come with flying colors, your result will be very nice, so thanks a lot, thanks for watching my lecture, bye bye, have a good day, happy learning, thank you.